नाजरीन आप देख रही हैं साउथ ब्लॉक न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट शमशा गाड़ा से खबर शामिल करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ रहमतुल्लाह अंसुम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर वकाया डॉक्टर मोहम्मद ज़ेशान हनीफ की ज़ेरे सदारत तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर वकाया ने कहा कि तालीम के मैदान में मेहनत के जरिए नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तालब इलम मुल्क और कौम का सरमाया है। हमें इनके बेहतरीन अंदाज में हौसला अफजाई के साथ साथ कामयाब और महफूज मुस्तकबिल के लिए रहनुमाई करनी है ताकि ये तालब इलम पाकिस्तान का नाम रोशन करने में अपना मखसूस किरदार अदा करें। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ेशान हनीफ ने गवर्नमेंट MC हाई स्कूल से ताल्लुक नेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर लाहौर 2023 की पोजीशन होल्डर्स और जिली सतह पर तमाम सरकारी स्कूलों के इम्तहानों में बेहतरीन नंबर हासिल करने वाले तालब इलमों के साथ में मुनाकिद तकरीब के शुरुआत से खिताब करते हुए किया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ेशान हनीफ ने मजीद कहा कि तमाम सरकारी स्कूलों के साथ तालब इलमों के मुस्तकबिल की प्लानिंग पर खसूसी तवज्जो दें। तकरीब के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ेशान हनीफ ने पोजीशन होल्डर्स तालब इलमों को सर्टिफिकेट दिए और महकमा एजुकेशन के कैश इनामात समेत अपनी जानब से भी इनामात रकम के चेक दिए। आप देख रहे हैं 7 ब्लॉक न्यूज़ HD।